गाइस वेलकम बैक टू केएस फैशन हब। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पुराने लहंगे से खुला वाला प्लाजो कैसे बन सकते हैं उसका आइडिया देने वाली हूँ। मेरे पास अपना पुराना लहंगा पड़ा हुआ था, मैं उसी से आपको खुला वाला प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि आप देख रही हो, मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है, अब ये डबल फोल्ड हो गया है। इसके बाद मैं इसको एक बार फिर से फोल्ड कर दूंगी, तो फिर इसको ये बन गई, चार तह बन गई इसकी। अभी मैं इसकी लेंथ लूंगी कि लेंथ कितनी है इसकी। ये देखो इसकी लेंथ है 41 है। आगे हम इसको कट कर देंगे, 40 तक रखना है हम इसको। हमारी लेंथ है 37। हम इधर से फालतू कपड़ा जो है हमारे पास हम कट कर देंगे। इसको पहले हम कट कर लेंगे। अभी हमारे पास जो दूसरी साइड कपड़ा फालतू है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अभी मैं इसको 2 इंच जो फालतू कपड़ा लेना है इलास्टिक डालने वाला वो ले रही हूँ। इसका हो गया इलास्टिक वाला कपड़ा ये। अभी जो हिप है उसका चौथा भाग रखना है हमें, तो ये हो गया हिप का चौथा भाग। तो अभी इसके बाद मैं इसका आसन लूँगी। आसन कितना रखना है, इसका जो आसन है हमने 13 इंच रखना है। तो 2 इंच ऊपर है, 13 इंच ये रखना, हो गया 15 इंच हमारा आसन। इसके बाद हमने पोंचे की लेंथ लेनी है कि कितनी रखनी है, इसकी अपनी मर्जी के हिसाब से रखनी है आपको, जितनी आपको पसंद हो। हम इसको 2 इंच की गुलाई देने वाले हैं। ये दे दी हमने इसकी 2 इंच की गुलाई, फिर हम इसको बराबर कर देंगे, मिला लेंगे इस लाइन को, मिला के अब इसकी कटिंग हो जाएगी। ये दे दी हमने गुलाई इसकी। तो गाइस अभी मैं अपने प्लाजो की कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखो हमारे प्लाजो की कटिंग हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो जी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी मैं इसकी स्टिचिंग करने लगी हूँ, तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बन के तैयार हो गया है हमारा प्लाजो। तो अभी देखो हमारा प्लाजो बन के तैयार हो चुका है। तो आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।